हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहित दांगड़े, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर में स्वागत करता हूँ। तो चलिए, आज फिर से मैं हाजिर हूँ मेरा एक नया टॉपिक लेकर, और आज का टॉपिक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम यह बताना सीखेंगे कि वर्तमान समय में हमारे पास कोई वस्तु बिजनेस रोग आदि है। आज हम यह बताना सीखेंगे, और सिंपली कहा जाए आज हम यूज़ ऑफ हैज़ सीखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम यह बताना सीखते हैं कि वर्तमान समय में हमारे पास कोई वस्तु बिजनेस रोग आदि है। जैसे कभी हमें सर्दी जुकाम खांसी वगैरह रहती है, तो हम हिंदी में सिंपली कह देते हैं मुझे खांसी है, मुझे सर्दी है, मुझे जुकाम है, बट इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू लर्न, सो वी विल हैव टू नो अबाउट इट। सो सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि इसमें सेंटेंस किस तरह के बोले जाते हैं, किस तरह के इसमें सेंटेंस बोले जाते हैं। जैसे मुझे खांसी है, मुझे सर्दी है, मुझे बुखार है, और आप बिजनेस के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक दुकान है, मेरे पास एक अच्छा घर है, मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मेरे पास 4 मोबाइल है, मेरे पास 2 बाइक है, मेरे पास एक कार है, इस तरह आप मेरे पास एक बड़ा घर है, आप इस तरह से इसमें सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूज़ ऑफ हैज़ सो आज हम यूज़ ऑफ हैज़ सीखेंगे। तो यूज़ ऑफ हैज़ के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि वर्तमान समय में यह बताते हैं कि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु बिजनेस रोग आदि है। हम यह बताना इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु की बात करते हैं। एज यू नो, वस्तु क्या चीज़ होती है? वस्तु जैसे कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल, टीवी, पंखा, घड़ी, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, लोअर, हेयर, इस तरीके से यह वस्तु की गिनती में आते हैं। और उसके बाद बिजनेस जैसे कोई भी नौकरी पैसा अगर आपके पास है तो बिजनेस की क्वांटिटी में आ जाएगा। और अगर रोग मीन्स सर्दी खांसी जुकाम, ये आपकी रोग बताने में। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारे पास कोई वस्तु बिजनेस रोग आदि है वर्तमान समय में। तो चलिए हम स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। तो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नाउन, स्ट्रक्चर प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नाउन। तो स्ट्रक्चर में इसमें स्ट्रक्चर तो सिंपली लिखा हुआ है, पर इसमें एक कन्फ्यूजन है, इसमें हैज और हैव है। तो हैज और हैव का हम यूज़ कैसे करेंगे? तो चलिए आगे इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि हैज और हैव का यूज़ हम कहाँ करेंगे, किन सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ होगा। तो चलिए वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखे हुए सब्जेक्ट। आप मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ सब्जेक्ट किसे कहते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा एक प्रीव्यू लेंगे। आई वी यू दे प्लूरल, ये प्लूरल पर्सन है। ही शी इट नेम और सिंगुलर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा और इन सभी सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। तो आई होप आपने जो हैज और हैव इनका जो मैटर है वो समझ लिया होगा कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में हैव लगेगा, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। तो चलिए अब हम इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मेरे पास कला है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हैव अ आर्ट। उसके बाद आता है दूसरा सेंटेंस, मोहन के पास बीमा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोहन हैज़ इंश्योरेंस। तो चलिए आगे और कुछ हम एग्जांपल्स के माध्यम से इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं हाजिर हूँ कुछ एग्जांपल्स लेके। तो पहला एग्जांपल है हमारा, मोनिका के पास ज्ञान है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मोनिका हैज़ नॉलेज। फिर अगला एग्जांपल, हमारे पास अधिकार है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी हैव राइट। अगला एग्जांपल, अलका के पास जज्बा है, अलका हैज़ पैशन। अगला एग्जांपल, राधा के पास बुरी आदत है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा राधा हैज़ बैड हैबिट्स। तो चलिए ये हमने कुछ एग्जांपल्स के तौर पर देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के मैं इंग्लिश सीखने के लिए नए नए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो गुड बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। Thank you.